अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 और इस लेक्चर में हम साइंटिफिक डिवीजन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस तरह हम फैक्टर बनाते हैं या फिर डिवाइड करते हैं या फिर किसी भी वैल्यू को फाइंड करते हैं किसकी मदद से, साइंटिफिक डिवीजन की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास है कि अप्लाई साइंटिफिक डिवीजन मेथड टू डिवाइड। साइंटिफिक डिवीजन मेथड को यूज करते हुए आप क्या करो, डिवाइड करो। सवाल आपके पास क्या है, पार्ट वन आपके पास गिवन है, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री, ये तीन क्वेश्चन है आपके पास। इन तीनों को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। किसकी मदद से, साइंटिफिक डिवीजन मेथड की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट वन कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन। ठीक है, इस चीज को हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे, एक्स माइनस वन से। सबसे पहले सॉल्यूशन और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, एक बार क्वेश्चन कॉपी कर दूंगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस नंबर से आपको डिवाइड करने कह रहा है, जिस एक्सप्रेशन से आपको डिवाइड करने कह रहा है, इस एक्सप्रेशन को आप क्या करोगे, बराबर लोगे किसके, के एक्स माइनस वन किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ठीक है, जिस किसी भी एक्सप्रेशन से आपको डिवाइड करने बोलेगा उसको हम क्या करेंगे, यहां पर जीरो के बराबर लेंगे, क्योंकि फिर माइनस का वन है और ये राइट साइड पर आके आपका क्या बन जाएगा, प्लस का वन। और इस तरह फिर हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि यहां पर किसके बराबर है, वन के बराबर है। सही है, अब आपको साइंटिफिक डिवीजन को अप्लाई करना है। किस तरह अप्लाई करेंगे देखते हैं। अच्छा, इसमें एक बात जो कि इम्पोर्टेंट है कि जो एक्सप्रेशन है आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इसको आप चेक कर लिएगा कि ये अरेंज है या अरेंज नहीं है। अरेंज मतलब कि एक तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए और बिटवीन में पावर का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर एक्स क्यूब है, उसके बाद एक्स स्क्वायर है, उसके बाद पावर वन है और फिर ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है और पावर में थ्री के बाद टू, टू के बाद वन एंड वन के बाद फिर क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल अरेंज है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको अरेंज करना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू वन बाय यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन मेथड। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरह का एक ब्रैकेट बना लोगे। साइंटिफिक डिवीजन मेथड बेसिकली जो अप्लाई होता है वो किस पे अप्लाई होता है, जिस कोफिशिएंट पर। ठीक है, तो यहां पर हमें वेरिएबल को नहीं लिखना है, यहां पर जो हमें यूज करना है वो जिस वेरिएबल यूज करना है। तो सबसे पहले जो आपके पास ये x इक्वल टू वन है जिसको हमने फाइंड किया है अभी, इसको आप क्या करोगे, आप ब्रैकेट के बाहर लिखोगे। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा कि x आपका किसके बराबर है, वन के बराबर है। ये जो भी वैल्यू आएगी इसको आप क्या करोगे, इस जगह पे मेंशन कर दोगे। उसके बाद ब्रैकेट के आपको अंदर जो आप वैल्यू लिखोगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि साइंटिफिक मेथड जो है अप्लाई होता है किस पे, जस्ट कॉफिशेंट पर। तो सबसे पहले देखो एक्स क्यूब का जो कॉफिशियंट है इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, वन। इसका मतलब जो पहला कॉफिशियंट है हमारा वो क्या है, वन है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है हमारे पास वो क्या है, चूंकि माइनस साइन है और अगेन यहां पर भी कोई भी नंबर नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा, वन। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट कॉफिशियंट होगा हमारे पास वो क्या होगा, माइनस का वन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्लस एक्स है यानी कि पॉजिटिव साइन है और अगेन कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो कॉफिशियंट है हमारे पास वो क्या बनेगा, प्लस वन। और लास्ट में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम वैसे लिख देंगे यानी कि हमारे पास क्या होगा, माइनस वन। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, कॉफिशियंट को लिखेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, बेसिकली यहां पर जीरो है लेकिन यहां पर आप जीरो मेंशन करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस सिंपली आप क्या करो कि इसको तरीका क्या है इसको अप्लाई करने का, यहां पर जो सबसे पहला नंबर है जो कि हमारे पास क्या है, वन है,
इस वन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट के नीचे वैसे ही लिख देंगे, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वन। या अगर आप जीरो के साइंस में कहो तो वन प्लस जीरो हमारे पास क्या होता है, वन होता है। ठीक है, या आप यूं समझे कि जिस जो पहला नंबर है आपका, इस पहले नंबर को आपको क्या करना है, वैसे ही लिखना है। उसके बाद इन दोनों को यानी कि वन मल्टीप्लाई वन, इन दोनों को आपस में हम क्या करवाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि वन मल्टीप्लाई वन, इसका आंसर क्या आता है, वन। और इस वन को हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर के नीचे लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहां पर मेंशन किया कि वन मल्टीप्लाई वन किसके बराबर होगा, हमारा वन के। उसके बाद इन दोनों को हम ऐड करेंगे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर हमें ऐड करना है और ब्रैकेट के बाहर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस वन प्लस वन आपका क्या होता है, जीरो। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और सॉरी ब्रैकेट के अंदर हम ऐड करेंगे और ब्रैकेट के बाहर हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। अब जीरो और वन को आपको आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो जीरो मल्टीप्लाई वन हमारे पास क्या होता है, जीरो। तो ये हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम नेक्स्ट जीरो लिखेंगे। जीरो के बाद इन दोनों को मजीद ऐड करेंगे कि वन प्लस जीरो, और वन प्लस जीरो हमारा किसके बराबर होता है, वन के। ठीक है, अगेन आपको क्या करना है, इस वन को और इस वन को आप क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई। तो वन मल्टीप्लाई वन हमारे पास क्या होगा, वन, जो कि आप माइनस वन के नीचे लिखोगे। और फिर जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, माइनस वन प्लस वन, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो जो लास्ट में नंबर होता है, बेसिकली ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। यानी कि यहां पर जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, अब यहां पर मेंशन करना है, जो हम जानते हैं डिवाइड करने में, एक हमारे पास क्वेश्चन है, एक हमारे पास डिविडेंड होता है और एक हमारे पास क्या होता है, डिवाइडर होता है। ठीक है, तो जिस नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कि हम एक्स माइनस वन से, ये हमारा डिवाइडर है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बेसिकली जो x माइनस वन है ये हमारा डिवाइडर है। जो नंबर डिवाइड होता है, यानी कि जो एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहा है, ये हमारा क्या है, डिविडेंड है, जो कि हमें गिवन है। अब हमें क्या बताना है, क्वेश्चन और रिमाइंडर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट में जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर किसके बराबर है, जीरो के। अब क्वेश्चन हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसको देखते हैं। हमारे पास यहां पर तीन नंबर बचे हुए हैं, सॉरी वन जीरो और वन, इनसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तो किस तरह क्वेश्चन बनाएंगे, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले आपके पास जो भी यहां पर नंबर बचे हुए हैं, वन जीरो वन, इन सब के साथ आप क्या करोगे, वेरिएबल लिख दोगे, यानी कि हमारे पास क्या है, वन एक्स जीरो एक्स प्लस वन एक्स, यानी कि पहला नंबर हमारे पास वन है, दूसरा नंबर हमारे पास जीरो है और तीसरा नंबर हमारे पास क्या है, वन है। तो मैंने क्या किया, तीनों के साथ क्या लगाया, वेरिएबल। और वेरिएबल लगाने के बाद आखिर से आप क्या करोगे, पावर दोगे। तो पहला पावर मैंने क्या दिया है, जीरो, उसके बाद क्या दिया है, वन, और उसके बाद पावर क्या दिया है, टू। इसको आप किस तरह लिखोगे, बेसिकली वन के साथ आपने एक्स लगाया, फिर इसी तरह से आपने क्या किया, जीरो के साथ भी एक्स लिखा, जो भी नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या किया, आखिर में नंबर क्या है, वन है, आपने वन के साथ भी एक्स लिया। तो और फिर आखिर में आपने क्या किया, एक्स लिखने के बाद अब आपको पावर देना है, तो स्टार्ट क्या करेंगे हम, जीरो, उसके बाद वन, एंड देन उसके बाद टू। ठीक है, तो बिल्कुल यही फॉर्म बन जाएगा हमारे पास। अब सिंप्लीफाई कर लें आप, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वन हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर। जब जीरो एक्स होगा तो ये जीरो हो जाएगा, और एक्स की पावर जीरो किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, इसलिए हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। तो रिमाइंडर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रिमाइंडर हमारा किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इसका पार्ट टू, एक्स पावर फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, अगेन जिससे मैंने आपको बताया कि जिस एक्सप्रेशन से आपको डिवाइड करने कहेगा, यहां पर कह रहा है x प्लस वन से, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x प्लस वन को आप बराबर मान लोगे किसके, जीरो के, यानी कि हमारा x प्लस वन जो है वो बराबर है किसके, जीरो के। तो प्लस का वन, जब इसको आप राइट साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का वन। ठीक है, अब हम अप्लाई क्या करेंगे यहां पर, बाय यूजिंग साइंटिफिक डिविजन मेथड।
जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे, और ब्रैकेट बनाने के बाद मैंने आपको कहा कि ये जो नंबर हमारे पास आएगा इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, -1, ठीक है। और फिर मैंने आपको कहा कि जो ब्रैकेट के अंदर हम नंबर लिखते हैं वो हम किसको लिखते हैं, जस्ट कोफिशिएंट को। तो आपको दिख रहा है कि x की पावर 4 इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है लेकिन ये पॉजिटिव है, तो यहां पर हम क्या लेंगे, +1। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव साइन है, नंबर अगेन कोई नहीं है तो इसके लिए हम क्या लेंगे, -1। उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो उसके लिए हम क्या लेंगे, +1। उसके बाद हमारे पास -x है चूंकि कोई नंबर नहीं है तो उसके हम क्या लेंगे, -1। और लास्ट में क्या है, +1, यानी कि कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने +1 लिखा, उसके बाद -1, उसके बाद +1, अगेन -1, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, +1, ठीक है। जस्ट मैंने यहां पर क्या किया, कॉफिशियन को लिख दिया, सारे कॉफिशियन को। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो हमारा नंबर होगा जिसे 1 है यहां पर, इसको हम वैसे ही यहां पर लिखते हैं, यानी कि 1 के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। ये बात मैं आपको ये बताया, और मैं फिर बताया आपको पिछले सवाल में कि इन दोनों नंबर को यानी कि ब्रैकेट के बाहर हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, एड। तो 1 × -1 क्या होता है, -1, जो कि हम सेकेंड नंबर के नीचे लिख देंगे। अब इन दोनों को एड करना आपको, तो -1 - 1 हमारे पास क्या होगा, -2, ठीक है। अगेन इस -2 को आप मल्टीप्लाई करवाओगे किससे, -1 से, तो -1 क्या होगा, +, और 2 × 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2। तो अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो 1 + 2 हमारे पास क्या बनता है, 3। तो यहां पर क्या लिखाएगा, 3। अगेन आपको क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि अब आप 3 को और -1 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -3। अगेन अब आप क्या करोगे, -1 और -3 को एड करोगे तो -1 - -3 आपके पास क्या हो जाएगा, -4। आपको क्या करना है, -4 को मल्टीप्लाई करवाना है -1 से, तो -4 × 1 हमारे पास क्या होगा, 4। और फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 1 + 4 हमारे पास क्या होगा, 5। तो सिंपल सा पैटर्न है, आप बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करवाओगे और ब्रैकेट के अंदर आप क्या करोगे, ऐड करोगे। अब बारी है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो लास्ट में नंबर आएगा हमारा वो क्या होगा, रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर यहां पर किसके बराबर है, आपका 5 के बराबर है। अब जो नंबर बच रहे हैं 1 - 2 - 3 और -4, मैंने आपको कहा कि जो भी नंबर बचेंगे इन सारे नंबर के साथ आप सबसे पहले क्या लगाओगे, x को कनेक्ट करोगे और फिर लास्ट से पावर देना शुरू करोगे 0 से। किस तरह, 1x³ - 2x² + 3x - 4x², बिल्कुल किस तरह, 1 था, 1 के साथ आपने x लिखा, उसके बाद -2 था, -2 के साथ भी आपने क्या किया यहाँ पर x लिखा, उसके बाद +3 है, आपने क्या किया, +3 के साथ भी x लिखा, और आखिर में -4 है तो आपने क्या किया, -4 के साथ भी x लिखा, और उसके बाद फिर बारी है पावर देने की। तो पहला पावर आपने क्या कहा, इसको 0, उसके बाद आपने क्या कहा, 1, उसके बाद आपने कहा 2, और उसके बाद आपने क्या कहा, 3, जैसा बिल्कुल यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसको x × 1 हमारे पास क्या होगा, x² × 2, ये हमारे पास -2x² रहेगा, प्लस का 3x, क्योंकि x की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के, तो 4 × 1 = 4। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर, जिसमें मैंने बताया कि लास्ट में नंबर बचेगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब सेम सवाल है, बस यहाँ पर एक छोटा सा इश्यू है, जैसे मैंने आपको कहा था अरेंज के लिए, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आपको कि x³ फिर x³ फिर -2x² और फिर हमारे पास क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, यानी कि 5 और 3 के दरमियान में 4 का गैप है, मतलब 4 पावर 4 यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से x² और कॉन्स्टेंट के दरमियान में पावर 1 नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अरेंज करना होगा कि x⁴ और x⁻¹ हमारे पास मौजूद नहीं था, तो जो पावर हमारे पास मौजूद नहीं होगा उसको हम क्या करेंगे, 0 के साथ लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि x⁵ 0 x⁴, क्योंकि x⁴ मौजूद नहीं था तो हम क्या किए, इसके साथ 0 x⁴ मेंशन कर दिए, ठीक है। क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात लाजमी है कि आपको हर एक पावर को लिखना है। उसके बाद x³
उसके बाद माइनस टू एक्स स्क्वायर, सॉरी उसके बाद प्लस जीरो एक्स, और उसके बाद हमारे पास क्या है माइनस थ्री। ठीक है, अप्लाई करते हैं साइंथेटिक डिविजन। इस पर अप्लाई होगा सबसे पहले आपको कह रहा है कि x प्लस वन है, तो x प्लस वन का मतलब कि जब प्लस का वन आप राइट साइड लेके जाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा माइनस का वन, यानी कि x इक्वल टू माइनस वन। अप्लाई साइंथेटिक डिविजन मेथड, ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट के बाद हमारे पास जो नंबर आया है वो क्या है माइनस वन, तो माइनस वन को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है कॉफिशेंट, तो आपको दिख रहा है x की पावर 5 के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, x की पावर 4 के साथ क्या है 0 है तो हम 0 लिखेंगे, उसके बाद x क्यूब के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, x स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या है माइनस टू तो हम माइनस टू लिखेंगे, और फिर x के साथ हमारे पास क्या है 0 तो हम 0 लिखेंगे, और आखिर में माइनस थ्री। तो देखें सबसे पहले हमने क्या लिखा 1 x की पावर 5, फिर बारी x की पावर 4 की तो क्या आएगा 0, फिर बारी x क्यूब की उसके बाद क्या आएगा 1, फिर बारी किसकी x स्क्वायर की उसके बाद क्या है माइनस टू, देन लास्ट में फिर हमारे पास क्या है x, x के साथ क्या है 0, और आखिर में हमारे पास क्या है माइनस थ्री। अब आगे फिर सिंपल काम है कि जैसे हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे 1 को लिखेंगे, तो हमने क्या लिखा यहां पर 1, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 हमारे पास क्या होगा माइनस 1, और 0 माइनस 1 जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 माइनस 1 बराबर होता है माइनस 1 के, अगेन माइनस 1 और माइनस 1 को आपको क्या करवाना है मल्टीप्लाई, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 हमारे पास क्या होगा ये प्लस का 1, और 1 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2, इस 2 को आप क्या करोगे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस टू, माइनस टू और माइनस टू हमारे पास क्या होता है माइनस का 4। अब इस माइनस 4 को आपको क्या करना है माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाना है इससे, तो माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या बनेगा 4, और 4 प्लस 0 हमारे पास क्या होता है 4, और 4 को आप क्या करोगे अगेन माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा माइनस 4, और इस तरह माइनस 3 माइनस 4 आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का 7। तो जो आपका रिमाइंडर हुआ वो क्या हो गया माइनस 7, बाकी नंबर क्या बच रहा है आपके पास 1 माइनस 1 2 माइनस 4 और 4। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक नंबर के साथ आप क्या करोगे x को कनेक्ट कर दोगे, और फिर पहले पावर 0 उसके बाद पावर 1 उसके बाद पावर 2 उसके बाद पावर 3 और फिर हमारे पास क्या होगा पावर 4, और देन सिम्प्लीफाई कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। k की वैल्यू बताओ कब जब x प्लस 5 जो है फैक्टर है किसका 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 का। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है इसको आप लेट कर लोगे p ऑफ x के बराबर, जिसे मैंने लेट कर लिया कि 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। तो सच दैट जिस तरह को बताया कि आपको कह रहा है कि x प्लस 5 इसका फैक्टर है, तो आप क्या करोगे x प्लस 5 को आप 0 के बराबर लोगे, और जब प्लस का 5 उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5। अच्छा फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि जब इसको हम डिवाइड करते हैं साइंथेटिक डिविजन से तो उसका रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है, यानी कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अच्छा अगर x प्लस 5 एक छोटा कॉन्सेप्ट है कि अगर x प्लस 5 फैक्टर है तो फिर लाजमी जो नंबर है माइनस 5 ये कहलाता है रूट, क्या कहलाता है रूट। अगर कब ऐसा होगा जब x प्लस 5 क्या होगा इसका फैक्टर होगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि आपको x प्लस 5 फैक्टर बोल दे या आपको डायरेक्ट माइनस 5 दे दे कि माइनस 5 इज अ रूट, तो अगर ये माइनस 5 रूट है तो फिर x प्लस 5 क्या है फैक्टर है, अगर x प्लस 5 फैक्टर है तो ये माइनस 5 क्या है फिर आपका रूट है। ठीक है, तो यहां पर अप्लाई करते हैं साइंथेटिक डिविजन बाय यूजिंग साइंथेटिक मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट बनाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो नंबर है हमारे पास माइनस 5 इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, उसके बाद पहले 2 है तो हम 2 लिखेंगे, उसके बाद फिर x स्क्वायर के साथ k है तो अगला कॉफिशियन क्या आएगा k आएगा, x के साथ जो कॉफिशियन है वो माइनस 2 है तो अगला कॉफिशियन क्या आएगा माइनस 2,
और आखिर में कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट साथ क्या आएगा हमारा 15। ये मैंने क्या किया, कॉफिशियंट लिख दिया। कॉफिशियंट लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, 2 को वैसे ही लिखेंगे। इसे मैंने बताया कि 2 जो नंबर है हमारा, सबसे पहले नंबर को हम वैसे ही नीचे लिख देते हैं। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 हमारे पास क्या होगा, माइनस 10। अब k और माइनस 10 को आपको ऐड करना है, तो ये आपके पास क्या बने, आप जानते हो ऊपर k है नीचे माइनस 10 है, तो ये आपस में ऐड नहीं होगा, इसको सिंपली आप क्या लिख दोगे, k माइनस 10। अब आपको क्या करना है, k माइनस 10 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या होगा, k माइनस 10। और अब चेक कर लें इसको मल्टीप्लाई करवा के कि ये हमारे पास होगा माइनस का 5k, जब ये k से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा, 50। तो माइनस 5k और प्लस 50। फिर आप जानते हो माइनस 2 और इसको आपको क्या करना है, दोनों को आपस में ऐड करना है, तो माइनस 5k तो आपका वैसे ही आएगा, और प्लस 50 माइनस 2 आपके पास क्या होता है, 48। तो यहां पर क्या हो गया, माइनस का 5k प्लस 48। अगेन आपको माइनस 5k प्लस 48 को मल्टीप्लाई करवाना है माइनस 5 से, यानी कि माइनस 5 को आप मल्टीप्लाई करवाओगे किससे, माइनस 5k, और फिर हमारे पास क्या है, प्लस का 48। ठीक है, तो अगेन जब माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बनेगा 25k, और माइनस प्लस माइनस और 5 मल्टीप्लाई 48 आपको दिखता है कि किसके बराबर होगा, 240 के। अगेन आपको ऐड करना है, यानी कि 225 के माइनस 240, तो 25 के को हम वैसे लिख देंगे, और माइनस 240 प्लस 15 हमारे पास क्या होगा, माइनस का 225। तो लास्ट में जो नंबर आता है वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि रिमाइंडर किसके बराबर है, 25 के माइनस 225। चूंकि x प्लस 5 इसका फैक्टर है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर x प्लस 5 इसका फैक्टर होता है तो रिमाइंडर शुड बी 0। तो रिमाइंडर आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि आपको कह रहा है कि ये फैक्टर है, तो फिर लाजमी है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, यानी कि इसके रिमाइंडर को हम किसके बराबर ले सकते हैं, 0 के बराबर लिख सकते हैं। क्योंकि k की क्या वैल्यू है, मतलब k यहां पर हम क्या पुट करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x प्लस 5 क्या है, इसका फैक्टर है। तो माइनस का 225 जो इसको राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये प्लस का बन जाएगा, 25 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, और इस तरह आंसर क्या आएगा, k इक्वल टू 9। तो इस तरह हमने क्या किया, साइंटिफिक डिविजन मेथड की मदद से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली, जो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। मैं आपको एक और एक मेथड बता रहा हूं कि इसी सवाल को हम एक और एक मेथड से बना सकते हैं। अगर पेपर में साइंटिफिक कहे तो आप साइंटिफिक यूज कर लोगे, अगर नहीं कहे तो इससे एक और एक आसान मेथड है आपके पास, अनदर मेथड सेम दाम। सबसे पहले आप लाइट कर लोगे p ऑफ x के बराबर, उसके बाद x प्लस 5 आपको गिवन था, बिल्कुल सेम काम हमने किया कि x इक्वल टू माइनस 5 कर लिया। नाउ यहां से कि आपने p ऑफ x जो लाइट किया था, जहां जहां पर x है यहां यहां पर आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, यानी कि रूट को पुट कर दोगे माइनस 5 को, और पुट करने के बाद फिर आपको बेसिक सिंप्लीफाई करना है, यानी कि माइनस 5 की पावर 3 का मतलब होता है आपके पास माइनस का 125, माइनस 5 स्क्वायर होता है 25, क्योंकि पावर ऑड नंबर है, ऑड नंबर माइनस 10 वैसे ही रहेगा, यहां पर पावर इवन नंबर है तो माइनस 10 खत्म हो जाएगा। बाकी बेसिक सिम्प्लीफिकेशन के बाद आपके पास क्या बनेगा, 25 के माइनस 225, चूंकि आपका x प्लस 5 फैक्टर था, तो माइनस 5 आपका क्या है, रूट है। तो अगर माइनस 5 आपका रूट है तो लाजमी बिल्कुल वही के x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी एफ मस्ट हैव माइनस 5 इज अ रूट ऑफ पी एक्स। अगर माइनस 5 इसका रूट है तो लाजमी के फिर p ऑफ माइनस 5 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। बिल्कुल सेम लिखा कि p ऑफ माइनस 5 किसके बराबर है, 0 के। तो अगर ये 0 के बराबर है तो हम लिख सकते हैं 25 के माइनस 225, और फिर अगेन बेसिक सिम्प्लीफिकेशन के बाद हमारा जो k की वैल्यू वो क्या है, 9 है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।